से आए टिकटॉक पे? कैसे टिकटॉक पे आपको बताना चाहूँगा, बहुत पहले जब टिकटॉक इंडिया में शायद लॉन्च हुआ था उसके 2 साल बाद ही मुझे ऑफिशियल टिकटॉक से मुझे मैसेज आया था कि आपको हम पुश करेंगे, आप टिकटॉक आप शॉर्ट आउट दो, टिकटॉक पर वीडियोज़ बनाओ, हम आपको मतलब ऑफिशियली टिकटॉकर बनाएंगे। तो मैं टिकटॉक उस टाइम पे इग्नोर किया क्योंकि मैं उस टाइम पे एक्टिंग ये सब में पहले इंटरेस्ट था नहीं मुझे, और मैं सोचा ऐसा फालतू गिरी ये सब छोड़ो, मैं आपको दिखा भी सकता हूँ, आपको टिकटॉक का पूरा वेरीफाइड जो था वहाँ से मुझे मैसेज आया था बहुत पहले, इग्नोर कर दिया था। और टिकटॉक पे एक दो वीडियो बनाया था जो मेरा फीचर्ड भी हो गया था, उसके वजह से मुझे क्राउन बहुत पहले ही मिल चुका था। बहुत लोग बोलते हैं कि समीर को क्राउन मिल कैसे गया इतनी जल्दी, तो उसी और टिकटॉक पर जब फिर मुझे पता चला कि जो लोग मेरे फैंस थे, खासकर जो मेरे फैंस थे उनके लाइक्स देख रहा हूँ मेरे बराबर होने लगे, मेरे थोड़े पीछे, फिर बढ़ते गए बढ़ते देख रहा हूँ अचानक ये बढ़ रहे लोग, उनकी फ़ैन फॉलोइंग बढ़ रही है, तो मुझे बढ़ रही क्यों अचानक, हम लोग क्या ऐसा नहीं कि जो इनकी फ़ैन फॉलोइंग, तब पता चला कि इन लोग का फ़ैन फॉलोइंग बढ़ रहा है टिकटॉक की वजह से। तब मैं बताना हैरान होगा कि ये चीज़ मैंने दुनिया की सबसे बड़ी गलती कर दिया, मैंने टिकटॉक को छोड़ के स्टार्ट पे, अगर स्टार्ट से रहा होता तो आज मैं कुछ और ही लेवल पे होता। आपको नहीं लगता है कि कहीं ना कहीं जो पर्सनल लाइफ है वो ख़त्म हो गई है बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया और टिकटॉक? हाँ, ये अभी अभी मेन कैसा हो गया, जैसे एग्जाम्पल बताता हूँ, जैसे फेम था, फेम पाना बहुत मुश्किल था हमारे, बहुत ज़्यादा मुश्किल। पहले था सेलिब्रिटीज़ को ही फेम मिलता था, जो एक्टर बनेंगे तो ही फेम मिलेगा। उसके बाद हम लोग आए, जैसे मैं आया, दानिश आया, जुबिन शाह, हम लोग आए तो सोशल फेम हम लोग लाए इंडिया में, सोशल फेम कि सोशल से भी फेम बनता है सेलिब्रिटीज़ जैसा। उस टाइम पे लुक्स था हमारे पास, हमारा टैलेंट था, व्लॉगिंग स्टाइलिंग सिखाते थे लोगों को, तो हमारे फैंस बने काफ़ी स्टाइल, तो हेयर कलर इतने जो करता हूँ फैंस लोग के लिए, तो फैंस बने। अब ऐसा क्या वक्त हो गया, अब पहले लोग बोलते थे ना कि मुझे भाई इतना यहाँ तक तू कैसे पहुँचा, क्या करता हूँ, मैं बोलता था भाई इसके लिए तो पहले तेरा लुक्स इतना खास नहीं है, लोग तुझे पसंद क्यों करेंगे, या तो कॉमेडी कर या तो कुछ और कर। लेकिन आपको पूछता ना भाई मुझे फेम चाहिए, तो कितना भी अगली दिखने वाला बंदा तो भी बोलूँगा भाई तू हीरो बन सकता है, क्योंकि टिकटॉक एक ऐसा प्लेटफॉर्म आ चुका है तो किसी को भी उठा के हीरो बना दे रहा है। जैसे हमारा टाइम तो ये यहाँ तक पहुँचने के लिए 3 से 4 साल मेहनत लगी, यहाँ तक 3 से 4, और आज का टाइम कैसा है, एग्जांपल आपको फेमस होना है, कुछ ऐसा वीडियो बना दो कि कल ही आप वायरल हो जाओगे, कल साथ में 3-4 मिलियन आपका हो गया। तो टिकटॉक बहुत इजी फेम दे चुका, किसी को भी बढ़ा रहा है, कभी सोचे भी नहीं रहेंगे कि मैं बढ़ूँगा लाइफ में कभी इतना था, जो कभी सोचा कि फैंस होगा सीखूंगा कुछ ना कुछ, वो सीधा मतलब ना आसमान छू रहे हैं।